अब हालांकि खरीदी कितने की थी टू लैख की लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सर्विस चार्ज जो हो होगा वो भी वन लैख का होगा आयशा वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड डिस दिस अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस बिलीविंग दैट राशिद बैट राशिदाइडेड हर लाइक मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस राशिद पोजिशन एंड रेमिडीज अवेलेबल टू आयशा इफ एनी अब राशिद की पोजिशन ये है यहाँ पर कि राशिद ने जो नंबर ऑफ कप के बारे में बताया उससे आयशा की कॉन्सेंट पर फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि देखें पहले परचेज़ हुई है और कॉन्ग्रेजुलेट करते हुए परचेज़ करने के बाद उसने ये स्टेटमेंट दी है तो राशिद की जो स्टेटमेंट थी नंबर ऑफ़ कप्स के बारे में आ, कि कितनी कॉफ़ी के कप ब्रू होंगे उससे उससे आयशा की कॉन्सेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मशीन ऑलरेडी परचेज हो चुकी थी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और जहाँ पर इसको आप वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ आयशा नहीं कहेंगे ना फ्रॉड की वजह से ना मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्योंकि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन दोनों में ये रूल है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्सेंट है उसने कॉज किया वो पार्टी की टू एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट तो वो यहाँ पर नहीं है अब क्वेश्चन का एक पॉइंट हो गया कि राशिद की पोजिशन तो क्लियर है उनके ऊपर कोई इशू नहीं है रेमिडीज अवेलेबल टू आयशा क्या होंगी अब एज सच जब राशिद की कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है तो आयशा के पास कोई रेमेडीज अवेलेबल नहीं है अगेंस्ट राशिद अनलेस अनलेस के वो ये प्रूव कर दें कि कोई भी स्टेटमेंट राशिद से जैसे जो इटली वाली स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि जी ये मोस्ट कॉमन मॉडल है या कोई चीज है बेस्ड ऑन विच शी डिसाइडेड टू गिव हर कॉन्सेंट टू परचेज द कॉफी मशीन वर मेड विथ फ्रॉडलेंट इंटेंट या मिसरेप्रेजेंटेशन तो इस स्टेटमेंट पर तो नहीं बनती क्योंकि ये स्टेटमेंट तो बाद में आई है कोई और स्टेटमेंट उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान दी हो उसकी बेस पर अगर वो फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन को प्रूव कर दें तो फिर उनके लिए रेमेडीज अवेलेबल हो सकती हैं अदरवाइज इस स्टेटमेंट पर तो रेमेडीज अवेलेबल नहीं है दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ गुड डे